वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बहुत दिनों बाद आज फेसबुक पे आई हूँ मैं, एंड बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले 22 महीने मैंने बहुत दिल से काम किया प्रोइंग इंटरनेशनल में, और दुर्भाग्य से आज उसे छोड़ना भी पड़ रहा है. प्रोइंग छोड़ने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आई. लगभग 17.5 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, और एक चीज थी जो मुझे क्लिक कर गई, डेट इज फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी. मैं जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना. लगभग 6 साल मैंने एमवे में काम किया, और वहां चीजें नहीं समझ में आई. 18% तक अचीव किया वहां पे, एंड आई जॉइन दी प्रोइंग इंटरनेशनल लकीली, एंड थैंक्स टू गॉड 40 to 45 lakh मैंने अर्न भी किया प्रोइंग इंटरनेशनल में. बट फिर भी आज मुझे प्रोइंग छोड़ना पड़ रहा है. रीजन एक ही रीजन है, मैं डायरेक्ट सेलिंग को फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कर रही हूँ. मैं पैसे के लिए जिंदगी भर काम नहीं करना चाहती, मैं कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, उसके बाद मुझे फ्रीडम चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना. बट प्रोइंग में इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आज प्रोइंग सभी डायमंड पावर डायमंड पर इनकम देने के लिए कुछ ऐसी कंडीशन लगा रही है जो लाजमी नहीं है, जो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है. कंपनी टोल्ड मी, सोनम जी आपको इनकम लेने के लिए, आपको अपने बोनसेस लेने के लिए, आपको अपने पे आउट लेने के लिए एवरी मंथ 8 PLS फॉर्म में, दैट मीन्स 1 लाख रुपए की फ्रेंचाइजीज आपको 8 दिलवानी होगी 8 लोगों को, देन यू क्वालिफाई फॉर दी बोनसेस. अदरवाइज यू आर नॉट एक्टिव लीडर. तो सवाल ये है मेरा कि अगर मैं एक्टिव लीडर हूं ही नहीं तो मेरा बोनस बन कैसे रहा है. उस बोनस के लिए भी मेरे कुछ कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग बिजनेस जा रहे हैं तभी बन रहा है, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो जब मैं प्लान के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन कर रही हूं तो मेरी वो इनकम देने में क्यों प्रॉब्लम है कंपनी को. मैं कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए काम कर रही हूं ताकि मैं फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी को एंजॉय कर पाऊं. जो कंपनी मुझे मेरे जीते जी पैसा नहीं दे रही, वो क्या कभी मरने के बाद पैसा देगी? क्या मेरी फैमिली, जो ये कंडीशन लगाई जा रही है 8 PLSs की, मुझे मेरा सवाल सभी पावर डायमंड एंटरप्रेन्योर से है जो प्रोइंग में काम कर रहे हैं. भगवान ना करे कोई फिजिकली प्रॉब्लम आ जाए आज हमें, और जिसके लिए हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं कि हमने एक बार टीम क्रिएट कर दी, वो क्रिएट की गई टीम मुझे पैसा देगी, तो क्या प्रोइंग में हम लोग के घर में पैसा आ पाएगा? क्या आपकी वाइफ, क्या आपके बच्चे, क्या आपके पेरेंट्स ये 8 PLS वाली फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाएंगे? बॉस, ये बहुत गलत नियम है, ये बहुत गलत नियम है जो लगाया गया है सभी डायमंड पावर डायमंड पे. इट इज अनबीरेबल कंडीशंस. इससे पहले हालांकि कंपनी ने कई प्रॉब्लम्स किए हैं, मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम से नहीं टूटी हूं. आज ये वीडियो सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं बनी है, आज ये वीडियो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैं इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूं जो प्रोयंग इंटरनेशनल ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ की है. वेरी फर्स्ट, कंपनी ने मेनी टाइम्स विदाउट अपने कोर लीडर्स के पूछे हुए, विदाउट अपने कोर लीडर्स से बात किए हुए, विदाउट किसी लीडर्स की सलाह लिए हुए कई बार प्लान को चेंज किया, बट इट्स ओके
very first time when I joined the ProYoung International, ये बात है सितंबर 2016 की, मेरी टीम में एक लड़की ज्वाइन करती है और वो लड़की, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 30 डेज की मनी बैक गारंटी होती है, जब 30 डेज मनी बैक गारंटी है तो उस लड़की ने अपने खरीदे हुए सामान को वापस करना चाहा कंपनी के अंदर, बट कंपनी ने वापस नहीं किया, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी और वो मैनेजमेंट तक उसने बात की कंपनी में और 11,200 रुपए उसको वापस मिले। ये बहुत अच्छी न्यूज है, वेरी गुड, उसे वापस मिले। बट आफ्टर 10 डेज आई एम शॉक्ड, वो 11,200 रुपए मेरे कमाए हुए पे आउट से काट कर दिए गए विदाउट मुझसे पूछे हुए, विदाउट एनी मेल, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। वो 11,200 रुपए मेरे पे आउट से काटकर उस लड़की को दिए गए। ऑन ऑफ सडन जब मेरे अकाउंट में 22,000 रुपए आने थे और वो पे आउट 11,200 माइनस करके मेरे अकाउंट में पहुंचा, आई रियली शॉक्ड एंड आई टॉक टू मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ने मुझे आंसर किया, सोनम जी ये जो ये लड़की थी ये इसको बहुत जरूरी था देना एंड डोंट वरी, ये जो आईडी है इन फ्यूचर आप अभी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, सो आप अपनी आईडी, ये आईडी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है और आप इन फ्यूचर आप इस आईडी पे किसी भी पर्सन को ये आईडी आप ट्रांसफर कर देना। दैट इज माय ब्लंडर मिस्टेक, मुझे उसी समय समझना चाहिए था। जो कंपनी आज बिना पूछे मेरे 11,200 रुपए को काट कर उस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, वो फ्यूचर में मेरे पे आउट्स में से कुछ भी काट सकती है और ऐसा ही हुआ। आज 22 महीनों बाद वो चीज प्रूफ हो रही है। शायद मुझे वो आवाज तभी उठानी चाहिए थी। इन नवंबर 2016 कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम से कंपनी के सॉफ्ट को कंपनी के शट डाउन किया सॉफ्टवेयर ओनली फॉर 15 डेज, बट ये कहानी 2 महीने चली। मुझे तब दोबारा से एनालाइज कर लेना था कि कंपनी रॉन्ग है, बिकॉज अक्टूबर तक कंपनी कई करोड़ों के पीएलएसएस उठा चुकी थी। ना वो पीएलएस एडवांस मोड में कंपनी का एक सामान होता है जिस पे कंपनी को कोई कमीशन जनरेट नहीं करना होता, वो कमीशन जनरेट होता जब उस पर बिलिंग होती है। अब वो 2 महीने बिलिंग को रोक दिया गया सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम से। नट जनवरी सॉफ्टवेयर ओपन हुआ और बहुत अच्छे से हमारी चीजें चलने लगी, बट ऑन ऑफ सडन कंपनी की एक नई पॉलिसी, ऑल डायमंड पावर डायमंड सिंगल जॉइनिंग डबल बाइनरी को एंजॉय कर रहे थे। अगर आप डायमंड अबव हैं तो आपको 40% बाइनरी होती थी, 30% कैश बाइनरी, 20% प्रो कैश एंड 10% टीएलबी, दैट में 60% बाइनरी हम एंजॉय करते थे। बट कंपनी का एक और नया नियम, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सो डेट हम 10% बाइनरी को खत्म करेंगे। हमारी कंपनी क्या सोच के प्लान बनाती है मुझे समझ नहीं आता कि उसे हर 3 महीने में चेंज करना पड़ता है। एंड एट द सेम टाइम एक पैन कार्ड पर 3 आईडी मिलती थी जिसमें से 2 आईडीज को ट्रांसफर करने का राइट दिया गया एक लीडर को। यस, बहुत सारे लोगों ने लोगों को आईडी ट्रांसफर की और उसी बीच हमारे एक सीनियर मेरी ही टीम के एक बहुत अच्छे लीडर को पावर लेग ऑफर करके अपनी तरफ ज्वाइन करा लेते हैं, जिसमें कंपनी को सब कुछ पता था, यानी सब मैनेजमेंट के पहचान में हुआ है, सब मैनेजमेंट जानती थी। मुझे फिर समझ जाना चाहिए था
कि कंपनी रॉन्ग है। जो कंपनी किसी लीडर को ये सपोर्ट कर सकती है कि अपनी टीम को इधर उधर कर दे और फिर उसमें उसको कोई सजा ना मिले, जबकि किसी एक्स लीडर ने जब अपनी टीम में बाय मिस्टेक इधर इधर को किया था तो उसको बहुत भयंकर सजा मिली थी। लेकिन यहीं पर एक और लीडर जब ये करता है तो उसको सजा नहीं मिलती, सजा मिलती है विक्टिम को, जिसके साथ वो घटना घटी, जिसकी टीम से स्नैचिंग हुई, सजा उसको मिलती है। उसका 8 महीने का पे आउट रोक दिया जाता है उस पर्सन का। ओ माय गॉड, मुझे तभी समझना चाहिए था कि कंपनी रॉन्ग है। बट मैं हमेशा ये सोचती रही कि यहाँ सब ठीक हो जाएगा, यहाँ सब ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। कंपनी कट दी GST माय मंथ, अगेन इट इज वेरी रॉन्ग। डिस्ट्रीब्यूटर की पे आउट से GST कटने का कोई नियम नहीं था। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज भी उठाई और उन्होंने कंपनी को छोड़ भी दिया इसी कारण। अगेन मुझे समझना चाहिए था इट इज रॉन्ग, कंपनी गलत कर रही है, बट मैं टिकी रही बिकॉज कंपनी ने कहा कि किसी का GST नहीं रखेंगे, हम उनका GST उनको रिटर्न करेंगे। और आज 1 साल से भी ज्यादा हो गया, कंपनी ने किसी का GST पे नहीं किया, रिटर्न पे नहीं किया। मेरी टीम से एक बहुत ही अच्छी लेडी यहाँ पर पावर डायमंड रैंक अचीव करती हैं, तो बीइंग अ लेडी पावर डायमंड रैंक अचीव करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिन रात एक करके काम करते हैं लोग, ना जाने कितनी टाइम अपनी फैमिली से बाहर रहते हैं, ना जाने कितने टाइम वो महिलाएं अपने बच्चों को वो समय नहीं देती जो उन्हें देना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं। और जब वो कोई अचीवमेंट लेती हैं तो उनके वो अचीवमेंट्स, उनके वो पे आउट्स को नॉन परफॉर्मिंग कहकर नहीं दिया जाता। ओ माई गॉड, मुझे तभी समझना चाहिए दैट इज वेरी रॉन्ग कंपनी। मेरी टीम में एक पावर डायमंड लेडी का 2 लाख का रिवॉर्ड नहीं दिया गया, जबकि फंक्शन में जनवरी 2017 के फंक्शन में भरी मीटिंग में उनको वो 2 लाख का चेक दिया गया है, बट वो 2 लाख का चेक अकाउंट ट्रांसफर उनको आज तक नहीं हुआ। मेरी टीम में वन अनदर लीडर, वन अनदर लेडी एंटरप्रेन्योर, जिनका लगभग 90,000 रुपीज का पे आउट बना हुआ है जो आज तक कंपनी ने ट्रांसफर नहीं किया। ओ माई गॉड, इज सच अ रॉन्ग कंपनी। बट फिर भी मैं काम करती रही, मैं चलती रही, सिर्फ ये सोच के कि सब ठीक हो जाएगा, मैं उन सबके पे आउट दिलवा पाऊंगी। मैं कंपनी से बात करती रही कि उनके रिवॉर्ड दीजिए, मैं कंपनी से बात करती रही कि उस लेडी का पे आउट दीजिए, मैं कंपनी से बात करती रही कि सबका GST कब लौटेगा, मैं कंपनी से बात करती रही कि लोगों के कार फंड कब मिलेंगे। इवन मैं खुद, मेरा कार फंड नहीं दिया गया, पहले ये बोला गया कि सोनम जी जब आप कार लेंगी तो मिलेगा। मैंने नवंबर में कार लिया जिसकी यूट्यूब पे वीडियो है सबके सामने, उसका कार फंड मुझे आज तक नहीं मिला। और आज अनफॉर्चुनेटली मुझे कंपनी छोड़नी पड़ रही है बिकॉज मैं इतनी गलत कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती। मेरा जमीर मुझे जवाब नहीं दे रहा इसमें काम करने के लिए। जो कंपनी की नीयत, ये नीयत की बात है, आपके कमाए हुए पे आउट्स को टाइम पे नहीं देना, ये सिर्फ और सिर्फ नीयत की बात है। अगर किसी कंपनी की नीयत सही नहीं, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार नहीं, तो बॉस मैं उसमें मेरा भविष्य भी नहीं देख सकती। सच अ बैड कंपनी, सच अ बैड मैनेजमेंट। ओ माय गॉड, दिस कंपनी। हर्ट द मेनी हार्ट्स, बहुत सारी कंपनी ने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, तो बहुत सारे अच्छे लीडर्स ने
सिर्फ मैनेजमेंट के चलते इस कंपनी को छोड़ा है. दे आर दी टू गुड लीडर, दे आर दी टू गुड अचीवर्स, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर एक मुकाम हासिल किया और आज उन्हें इस तरीके से छोड़ना पड़ रहा है कंपनियों को. माय गॉड, बस आप सभी लोग जो अभी ProYoung में काम कर रहे हैं, प्लीज अपने दिल से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए क्या कंपनी में सही हो रहा है, क्या इतने सारे लीडर्स जा रहे हैं तो क्या सभी लीडर्स की गलती है कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है. अगर कोई लीडर अपने बनते हुए पेआउट्स को छोड़ के जा रहा है तो थिंक अबाउट इट, देयर इज द प्रॉब्लम इन द मैनेजमेंट, नॉट लीडर प्रॉब्लम. लीडर में प्रॉब्लम नहीं है बॉस. मेरे सभी ProYoung के साथी, मेरे सभी ProYoung के वो लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारी क्रॉस लाइन में, हमारी अपलाइन में, हमारी डाउन लाइन में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सोचिए, प्लीज दिल से सोचिए कि आपके साथ गलत नहीं हुआ क्या. कितनी बार आप लोगों के साथ भी गलत हुआ है, कितनी बार भी आप लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद ये कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. और शायद आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भी आई होगी. सच्ची में रॉन्ग है बॉस. अगर किसी कंपनी से डेप्थ ज्यादा छोड़ रहा है, लीडर्स नहीं, तो देयर इज जेन्युइन थिंग. लेकिन किसी कंपनी से अगर लीडर्स ज्यादा छोड़ रहे हैं तो देयर इज ए कंपनी प्रॉब्लम. थिंक अबाउट इट. डायरेक्ट सेलिंग में जब आप किसी को भी लेके आते हैं, उसे ड्रीम्स दिखा के लेके आते हैं, उसे सपने दिखा के लेके आते हैं, उसे ये बोल के लेके आते हैं कि शायद उसकी जिंदगी में वो सारी खुशियां मिलने वाली हैं उसे जो आज तक नहीं मिली. और जब आपका लीडर उन खुशियों को पाने के करीब होगा तो कंपनी का एक नया फरमान जारी हो जाएगा जो उसके पे आउट को स्टॉप करेगा, जो उसके पे आउट को रोक देगा, जो उसके पे आउट को डाउन कर देगा, जो उसके हौसले को तोड़ देगा. बॉस सोचिए, क्या आप और कुछ लोगों के साथ गलत तो नहीं कर रहे? थिंक अबाउट इट एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट. आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आपका सोचना है, आप जैसा सोचिए, बट दिल से सोचे, नियत से सोचे, ईमानदारी से सोचे. आपका जमीर आपको जवाब दे देगा आपको क्या करना चाहिए. विद दिस थैंक यू सो मच.